चंडीगढ़ प्रशासन लगातार शहर में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत आज सेक्टर 26 की मंडी में कई अवैध निर्माणों को गिराया गया। नगर निगम, स्टेट ऑफिस और मंडी बोर्ड के अफसरों द्वारा संयुक्त रूप से ये ड्राइव चलाई गई। यहां पर 50 से 60 अवैध झुग्गियां तोड़ी गई हैं। स्टेट ऑफिस के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर रमेश कल्याण ने बताया कि दोबारा यहां पर अवैध कब्जा ना हो, इसके लिए यहां पर फेंसिंग की जाएगी और अवैध कब्जाधारियों पर पूरी नजर रखी जाएगी। वहीं बताया गया है कि मंडी में लगाए गए कई अवैध बोर्ड्स को भी हटाया जाएगा। हाँ सर, 40 साल के हमारे घर ऊपर हुए हैं, 40 साल से सारे बच्चों का बुरा हाल कर गए हैं। देखिए सब तोड़ ताड़ के सब में डाल गए, अब कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग, जाकर बताओ। बड़ी जिंदगी खराब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ डालेंगे इनको ले जाने। प्रधान जी ने और अभी तक हमारा कोई साथ न दे रहे हैं, यहाँ आके जब तोड़ देते हैं देर में सब सारे डाल गए, तोड़ दी सर, कहाँ जा करेंगे हम लोग। देने के लिए आते हैं सारे, वोट आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, फिर कोई नहीं पूछता हमारे लिए, बोलते टैंक लगाएंगे सारा कुछ करेंगे। रूप देख लो हमारा, 40 साल के फल रूप में नहीं लाइट नहीं पानी नहीं बिजली है, काम कर रहे हैं गरीब लोग। वहीं जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई हैं, उनका कहना है कि वे कई सालों से यहां पर रह रहे थे और उनके पास रहस्य सबूत भी थे, इसके बावजूद प्रशासन ने उनके घर तोड़ दिए। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। वहीं अब उजाड़े गए लोगों को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। लोगों का कहना था कि उन्हें उनकी रहस्य सबूतों पर राशन भी मिल रहा था, उनके पास इन पतों पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और बाकी सभी दस्तावेज हैं। जब वोट मांगते नहीं है तो सारे बोलते तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, कहना आपकी सहायता करेंगे। उसके वोटों के बाद नहीं जाते तो कुंडी लगा लेते हैं, कोई नहीं सुनता है। आधार कार्ड बनवाते बोलते साइन करा के लाओ, फिर भी कोई साइन वगैरह नहीं करके देता है हमारे को। आपका यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना हुआ है? आधार कार्ड सारा कुछ हमारे पास। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? 40 साल हो गए, हमारे बड़े बूढ़े इधर रहते थे, हम भी इधर रह रहे हैं। सारे हमारे बड़े बूढ़े बहुत थे तो सारे खत्म हो गए थे, सभी इधर रह रहे, सारा प्रूफ है हमारे पास। अब वोटों के टाइम पर इस टाइम भी तो हमारी कोई सहायता करो, फिर तो पता भी लगेगा। पढ़े डेरा वगैरह पढ़े हो लोगों की कोई सहायता हमारे एक बार कहीं भी दे दो, उसके बाद उठा दो, और ऐसे तो नहीं उठा सकते आप। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन लगातार शहर में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत आज सेक्टर 26 की मंडी में कई अवैध निर्माणों को गिराया गया। नगर निगम, स्टेट ऑफिस और मंडी बोर्ड के अफसरों द्वारा संयुक्त रूप से ये ड्राइव चलाई गई। यहां पर 50 से 60 अवैध झुग्गियां तोड़ी गई हैं। वहीं मंडी में लगाए गए कई अवैध बोर्ड्स को भी हटाया गया है। वहीं अवैध वेंडर्स को हटाने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।